जब भी मैं अपना फोन ओपन करता हूँ, एक एडवर्टाइजमेंट 12% क्लब का बार बार मुझे देखने को मिलता है। बार बार एक ही एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद मैं पक जाता हूँ और लिटरली मैं इसके बारे में गूगल पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये 12% क्लब है क्या और मेरे लिए 12% क्लब कैसे फायदेमंद है, आपके लिए 12% क्लब कैसे फायदेमंद है। मैं गया गूगल पे और 12% क्लब के ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च किया, जहां से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली तो मुझे ये पता लगा कि 12% क्लब एक लोन एंड इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है, जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और जहां से आप बड़ी ही इजीली कम सिबिल स्कोर पे भी लोन ले सकते हो। लेकिन ये एप्लीकेशन भारत पे के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी UPI कंपनी है, जिसके बारे में शायद आप भी जानते होंगे। अब मेरे मन में ये सवाल आया कि भाई ये जो 12% क्लब है, ये 12% क्लब आखिर कैसे लोन देता है और कैसे इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरे लिए फ़ायदेमंद कैसे होगा। अब इसे जानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12% क्लब के नाम में ही 12% है, यानी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको 12% का रिटर्न मिलेगा और वहीं अगर आप इससे लोन भी लेते हैं तो भी आपसे 12% का ब्याज लिया जाएगा। अब सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं कि अगर आप इसमें पैसा डालते हैं तो इससे आप कैसे पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा कमाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप 12% क्लब के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। जो भी पैसा आप 12% क्लब के अंदर इन्वेस्ट करेंगे यानी डालेंगे, उन पैसों पे आपको 12% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट पसंद करते हो, आप पैसे बचाना चाहते हो, तो 12% क्लब आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर 12% क्लब ही क्यों, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर डीमैट अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड्स में जाके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पर हम रिटर्न्स कमा सकते हैं, लेकिन 12% क्लब ही क्यों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12% क्लब अदर डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बेटर बेनिफिट्स देता है। कैसे? जैसे कि अगर आप डीमैट अकाउंट्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न फ्लक्चुएट करते रहता है, लेकिन 12% क्लब के अंदर आपको 110% 12% तक का इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपके पैसे पे। इसके अलावा जब भी आप डीमैट अकाउंट्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में जितनी बार पैसे डालेंगे उतनी बार आपको यहाँ पर ब्रोकरेज फीस या फिर कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। जब भी आप डालेंगे फिर भी आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे और निकालने के लिए भी आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन 12% क्लब के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। आप पैसा डालेंगे फिर भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा और पैसा निकालेंगे फिर भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इसके अलावा 12% क्लब के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, अगर आप 12% क्लब के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और आपके पैसे पे जो भी ब्याज बनता है, जो भी इंटरेस्ट बनता है, वो पैसा डेली के डेली आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि दूसरे जगहों पे आप अपने ब्याज के पैसे को डेली अपने खाते में नहीं मंगा सकते हैं। दोस्तों, 12% क्लब के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों को आप तुरंत इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं, पैसे निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये 12% क्लब आपको इतना ही नहीं, लोन का भी ऑफर देता है, आप यहाँ से लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 12% क्लब से लोन लेते हैं तो 12% का इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे दिया जाता है। अब दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि 12% क्लब से ही हम लोन क्यों लें, दूसरी जगहों से भी हमें लोन मिल सकता है। बट 12% क्लब आपको, जैसा कि 12 इसके नाम में ही है, तो आपको 12% के ब्याज दर पे लोन दे देता है। दोस्तों, अब अगर आप अदर एप्लीकेशंस या फिर दूसरे सोर्सेज से लोन लेते हैं तो वो आपको 10-15% या फिर 20% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, बट 12% क्लब आपको सिर्फ 12% का फिक्स इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। इसके अलावा अगर आप अदर सोर्सेज से लोन लेते हैं तो वहां पर आपको 2-5% तक का प्रोसेसिंग फी देना होता है। जैसे कि मेरा 10,000 रुपये का अगर लोन अप्रूव हुआ है तो 2-5% तक का दूसरे जगहों पर प्रोसेसिंग फी लग जाता है, लेकिन ये प्रोसेसिंग फी आपसे 12% क्लब नहीं लेता है। सिर्फ और सिर्फ आप अगर लोन लेते हैं तो आपको 12% का ब्याज देना होगा, दूसरा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पर 12% क्लब में आपसे नहीं लगाया जाता है। अगर आप पैसे 12% क्लब के अंदर डेली के डेली इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छा ट्रांजैक्शन दिखा रहे हो, तो उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आसानी से विदाउट सिविल स्कोर भी आपको ये 12% क्लब लोन दे सकता है। दोस्तों, अब अगर हम बैंक के पर्सनल लोन से कंपैरिजन करें तो किसी भी बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो 10-15% तक का इंटरेस्ट रेट आपसे एनुअली चार्ज किया जाता है और यहाँ पर आपको बहुत लंबा प्रोसेस भी करना पड़ता है, लेकिन 12% क्लब आपको कंप्लीट ऑनलाइन लोन देता है
और यहाँ पर आपको सिर्फ 12% का इंटरेस्ट रेट देना होता है, जो कि सिमिलर है बैंक्स के पर्सनल लोन से। इसके अलावा 12% क्लब जो कि भारत पे की कंपनी है, भारत पे के पास अपना खुद का एक बैंक लाइसेंस है, तो ये जो लोन मिलेगा उसे आप बैंक लोन भी कह सकते हैं। 12% क्लब के फायदे बहुत सारे हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, एक नुकसान भी है, जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए 12% क्लब में पैसा जो है डालना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है मेरे नज़रिए से, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप पैसा डालते हैं उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके 12% क्लब दूसरे लोगों को लोन देता है, तो अगर कोई भी लोन डिफॉल्ट करता है तो आपका पैसा जो है रिस्क में आ सकता है। दोस्तों अब अगर आपको 12% क्लब पे अपना एक अकाउंट बनाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12% क्लब एप्लीकेशन डाउनलोड का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पर इस पेज पे आ सकते हैं प्ले स्टोर पे। यहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप कुछ डिटेल्स भरेंगे, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को डालेंगे और यहाँ से आप KYC वगैरह करके तुरंत अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दूं कैसे इस पे 12% क्लब पे एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।